Good morning, students of class 9th. In the previous video, we have discussed about the changing of the Earth's surface, that how the planet Earth changed its face, that how it was earlier a single rock, a single continent, and then it was divided into two parts, right? Then Angara and Gondwana, and after that there were subdivisions and how the process took place. Now we are going to discuss about the physical division of India today. From today, we will be discussing about the physical division of India. आज से हम पढ़ेंगे कि physical division of India कैसे हुआ है, क्या क्या उसके physical features हैं. Right. First video जब इस chapter की आई थी, on the same date I have told you that on in which direction, which type of land is situated. Right. आज फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दैट इफ वी विल डिवाइड इंडिया इन द नॉर्थवर्ड्स डायरेक्शन, मींस हमारा जो कश्मीर वाला एरिया है ऊपर जहां पर हमारे पहाड़ है, राइट, नॉर्थवर्ड्स. इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन ऑफ इंडिया वी हैव हिमालयस और वी कैन से दैट दे आर हिली एरियाज इन द नॉर्थ, राइट. नॉर्थ में क्या आ गए हमारे हिली एरियाज आ गए. साउथ में क्या है, ऑन द साउथ देयर इज अ कोस्ट लाइन बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स, राइट, एंड देयर इट इज द अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, हेयर इट इज बे ऑफ बंगाल, सॉरी इट इज इंडियन ओशन, and here it is Bay of Bengal, right, it is towards the south. On the east side we have our hilly areas also. The hilly areas travel from the north to the east side, right, they are the Himalayan ranges. And on the west side we have our डेजर्ट, राइट. ये हमारी सिचुएशन है कि नॉर्थ के अंदर हमारे हिमालयाज हैं, हिली एरिया है, हमारा साउथ की साइड जो है हमारे चारों तरफ से ओशन है, और ये हमारा प्लेट्यू रीजन है बेसिकली. यहाँ पे क्या है, हमारे प्लेट्यूज हैं ऑन द साउथ, राइट. बे ऑफ बंगाल हमारा इधर की साइड है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने ज्योग्राफी के. नॉर्थ टू ईस्ट हमारी जो है पूरी एक रेंज जाती है हिमालयस की, तो हिल्स हैं. एंड ऑन द वेस्ट वी हैव डेजर्ट, क्योंकि राजस्थान का एरिया जाता है वेस्ट की साइड, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिमालयस. आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हिमालयस के बारे में, कि हाउ द हिमालयस आर स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ इंडियन नॉर्थन पार्ट, राइट. सो लेट अस स्टडी दैट. सी नॉर्दर्न हिमालय रेंजेस, नॉर्दर्न हिमालय रेंजेस. तो एक बात समझिए, हमारे नॉर्थ के अंदर बेसिकली हिमालयाज हैं, जो नॉर्थ का इंडिया का जो पीक है ऊपर, राइट, जम्मू कश्मीर का स्टेट हो गया, हमारा उत्तराखंड का स्टेट हो गया, या फिर हमारा हिमाचल प्रदेश का स्टेट हो गया, एंड फ्रॉम देयर टू द एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट. सो there is a series of mountain ranges along the northern borders of the country commonly known as the Himalayas, right, jo hamare northern border hai india ka pura Himalayas hi hai. The word Himalaya is formed by combining two words, him which means snow and alaya meaning a place of living, right. So Himalaya jo hai, him ka matlab kya hai, it means snow, and alaya, the alaya word means place of living. इस बात को आप जो है नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में, because it is important for the exam point of view. Next, the Himalayas are considered to be young mountains because they are relatively new in comparison to the other ranges. The Himalayas are considered young because earlier means they are said to be formed basically some thousand years ago only, not they are not too old like other
लाइक डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, अदर माउंटेन रेंजेस, दे कैन बी कंसिडर्ड एज फोल्ड माउंटेन्स। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यही बात हो गया हमारा कि हिमालय स्नो प्लस प्लेस ऑफ लिविंग जो उसका लिटरल मीनिंग है वो यही है, राइट। सेकेंड सेकेंड इज दैट दे आर फोल्ड माउंटेन्स। किस कैटेगरी के माउंटेन्स हैं वो? सो दे आर फोल्ड माउंटेन्स हमारे हिमालयस। हिमालयस ऐसा नहीं है कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो फिर हमारी कैटेगरी क्या है? हमारे फोल्ड माउंटेन्स। दीज माउंटेन्स आर कैटेगराइज बाय शार्प कोनिकल पीक्स, सीरीज ऑफ रेंजेस एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ड्यू टू डायनेमिक्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्लेट दे आर कंसिडर्ड एन अनस्टेबल जोन। द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट। जो मैंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर, मतलब नॉर्थ वेस्ट इस पॉइंट से लेकर हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक पूरे जाते हैं हमारे हिमालयाज ऑन द बॉर्डर, राइट, एंड रन अबाउट 2400 किलोमीटर्स। ये हिमालयाज की रेंज है एंड हिमालयन रेंज का जो साइज है डेट इज 2400 किलोमीटर। यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स इन योर कॉपीज, ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम एंड यू विल बी एबल टू लर्न दैम बिकॉज देर आर सम पॉइंट्स एंड दे आर इंपॉर्टेंट वंस, ओके। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी अबाउट द हिमालयाज अभी तक, कि जो हमारे हिमालयाज हैं वो, उसका वर्ड स्नो प्लस आल्य से लिया गया है, दैट इज स्नो मीन्स हिम मीन्स स्नो एंड आल्य मीन्स प्लेस ऑफ लिविंग। द कैटेगरी ऑफ माउंटेन विच द हिमालयाज लाई इज द फोल्ड माउंटेन्स एंड द टोटल रेंज ऑफ हिमालयाज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट इज अराउंड 2400 किलोमीटर्स, ओके। इतनी बात क्लियर है आई होप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे जो हिमालयाज हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं? Our Himalayas is divided into basically three parts. The first one is your Great Himalayas, the other one is Lesser Himalayas, and the other one is Shivaliks. Right? Let us see that. क्या बोला मैं? तीन parts में divided है. First one is your Greater Himalayas. Right? सबसे पहले हमारे क्या हैं? ग्रेटर हिमालयास, उसके बाद आते हैं हमारे लेसर हिमालयास, एंड द थर्ड वन इज अवर शिवालिक्स, ओके। ग्रेटर हिमालया, लेसर हिमालयास एंड शिवालिक्स, राइट। एज द नेम सजेस्ट, ग्रेटर हिमालयाज हमारे सबसे ऊपर वाला पीक है, राइट, द ग्रेटर हिमालयाज एंड आवर बिग बिग पीक्स, वेदर दे आर माउंट एवरेस्ट, के टू ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट पीक इन, सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, राइट, दे ऑल लाई इन द ग्रेटर हिमालयाज ओनली। सो लेट अस रीड अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज। द ग्रेटर हिमालयाज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, राइट, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका दूसरा नेम क्या है। सो इसका दूसरा नेम है ग्रेटर हिमालयाज का हमारा हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री लाई इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल नॉर्थ का जो बिल्कुल ऊपर वाले पीक्स हैं, राइट, जहां पे जम्मू कश्मीर का एरिया लगता है इंडिया का, सो दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। The height of the mountain in these ranges is around 6000 meter above the sea level, right? So इसकी जो height है वो क्या है? 6000 meters above sea level, right? It is the highest peak and it is towards extreme north of India, right? Greater Himalayas की बात कर रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं। The highest peak in this mountain range, namely Mount Everest and K2, right? Highest peak कौन सा है इसके अंदर? Mount Everest, which is the highest mountain peak in the world. Mount Everest है, right? Highest peak. And the
हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, 8848 मीटर। और इसका अगर कंट्री पूछा जाए दैट इन विच कंट्री माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड, तो प्लीज इंडिया मत लिखिएगा, इट इज नेपाल। ओके, द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल। इट शुड बी रिमेंबर डेट माउंट एवरेस्ट इज नॉट इन इंडिया बट इन नेपाल, जो मैंने अभी बात कही। के टू ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन एंड इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। दिस माउंटेन इज इन काराकोरम रेंज एंड लाइज नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। के टू जो है हमारा वो काराकोरम रेंज का पार्ट है। द ग्रेट हिमालयस स्टार्ट इन द नॉर्थ कश्मीर एंड एक्सटेंड ईस्ट वर्ड इन टू साउथ तिब्बत एंड नेपाल। द ग्रेट हिमालयस इंक्लूड द काराकोरम रेंज, द लद्दाख रेंज, द जस्कार रेंज इन कश्मीर एंड द कैलाश रेंज इन तिब्बत। ओके, सो आई होप ग्रेटर हिमालय के बारे में समझ में आ गया होगा कि द ग्रेटर हिमालय स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर। मीन्स अगर मैं इंडिया का एक मैप बनाऊं, ये हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है और जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ तिब्बत है एंड हेयर इट इज नेपाल। सो द ग्रेटर हिमालय स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम द जम्मू कश्मीर एंड देयर देन इट गोज टू इन द एरियाज ऑफ तिब्बत एंड इन द एरियाज ऑफ नेपाल। ग्रेटर हिमालय जो है इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही पाए जाते हैं, राइट। सम ऑफ द फेमस ग्लेशियर ऑफ द हिमालयस विच ऑल्सो फॉर्म द सोर्स ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया आर द सियाचिन ग्लेशियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इट इज सियाचिन ग्लेशियर, राइट। ग्लेशियर क्या होते हैं बच्चों? ग्लेशियर आर बिग सॉलिड फॉर्म ऑफ वॉटर, मीन्स देयर बिग बिग मासेज ऑफ आइस, राइट। एंड वेन दे मेल्ट दे फॉर्म द रिवर्स, देर आर द सोर्सेज फॉर द रिवर्स, राइट। बड़े बड़े जो है पत्थर पत्थर होते हैं बर्फ के, राइट, और बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और जब वो पिघलते हैं वेन दे मेल्ट देन दे फॉर्म इन टू रिवर, दे कन्वर्ट इन टू रिवर्स, राइट। और हमारे जो बड़े बड़ी जितनी भी रिवर्स है, वेदर इट इज गंगा, इट इज यमुना, राइट, इन सब का जो ग्लेशियर है वो हमारे इन्हीं ग्रेटर हिमालयस के अंदर ही सिचुएटेड है, राइट। सो सियाचिन ग्लेशियर है, इट इज द सोर्स फॉर द रिवर नुब्रा, राइट। इसका जो ये सोर्स किस रिवर का है? नुब्रा रिवर का है। एक हमारा ग्लेशियर जिसको हम लोग कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, इट इज द सोर्स फॉर अवर गंगा, ठीक है, नेम से ही पता चल रहा है गंगोत्री गंगा। एंड अदर वन इज अवर यमुनोत्री ग्लेशियर एंड इट विल बी द सोर्स ऑफ यमुना। ओके, सो ये बड़े बड़े जो पहाड़े पहाड़ होते हैं बर्फ के बिल्कुल, राइट, सो इन पहाड़ों, ये जब पहाड़ पिघलते हैं तो ये जो है नदी बनते हैं एंड दे आर द सोर्सेज फॉर दीज रिवर्स। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा रिवर का है, गंगोत्री इज फॉर गंगा एंड यमुनोत्री इज फॉर यमुना। ओके, सो दिस वॉज अवर स्टोरी फॉर ग्रेटर हिमालयस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दी लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स लेटर ऑन। ओके, सो वी विल मीट देन, टिल देन स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू।